और इससे पहले हम बात कर रहे थे कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की। इस हवाले से एक अहम खबर आ रही है कि इलेक्शन में ज़ाब्ते अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी, पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन MP अब्दुल रशीद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के मरकजी इलेक्शन सेल इंचार्ज सीनियर सेनेटर ताज हैदर का इलेक्शन कमीशन को खत। जमात इस्लामी के MPA अब्दुल रशीद पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। खत में इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। इरशाद संजरानी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। इरशाद संजरानी, इस खबर की क्या तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी इलेक्शन सेल इंचार्ज हैं सेनेटर ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को एक कंप्लेंट भेजी है। खत लिखा है, MMA के रुकने सिंध असम्बली अब्दुल रशीद पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने खत में बताया है, MMA के रुकने सिंध असम्बली कराची कैंटोनमेंट बोर्ड के हल्के वार्ड नंबर 5 में बजट लाइन का उन्होंने कहा कि दौरा किया है। पोलिंग अमल के तौरी का उनका कहना है कि पोलिंग स्टेशन का दौरा करना इंतखाबी ज़ाब्ता इख़लाक़ के खिलाफ फर्ज़ है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से रुकने सिंध असम्बली अब्दुल रशीद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तो आज हम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा और एक बाज़ाब्ता कंप्लेंट जो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन सेल के इंचार्ज हैं सेनेटर ताज हैदर ने सैयद अब्दुल रशीद के खिलाफ दायर की है। ठीक है, इस बारे में आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।